आज के किसी भी अखबार या टीवी या न्यूज चैनल या किसी भी मीडिया एजेंसी में अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि एक वर्ड और एक संस्था का जिक्र हर जगह यूज किया जा रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षिप्त में WHO बोला जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसे 6 अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय और दुनिया भर में 150 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एजेंसी की गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। WHO के व्यापक जनादेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की वकालत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी करना, स्वास्थ्य आपात स्थिति के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना और मानव स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देना शामिल है। ये देश के तकनीकी सहायता प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों और दिशा निर्देशों सेट करता है और विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर डेटा एकत्र करता है। WHO स्वास्थ्य के मुद्दे पर शिखर सम्मेलनों और चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। WHO ने कई सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों, सबसे विशेष रूप से चेचक के उन्मूलन, पोलियो के उन्मूलन और इबोला वैक्सीन के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई है। इसकी वर्तमान प्राथमिकताओं में संचारी रोग, विशेष रूप से HIV/AIDS, इबोला, मलेरिया और तपेदी शामिल है। हृदय रोग और कैंसर जैसे गैर संचारी रोग, स्वास्थ्य आहार, पोषण और खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और है। WHO सभी 194 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है। एजेंसी सर्वोच्च निर्णय लेने के बॉडी के रूप में कार्य करता है। ये 34 स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बने एक कार्यकारी बोर्ड का चुनाव और सलाह भी देता है। WHO सालाना कार्यक्रम आयोजित करना और महानिदेशक के चयन, लक्ष्य और प्राथमिकताओं की स्थापना और WHO के बजट और गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। WHO वित्त पोषण के लिए सदस्य देशों और निजी दानदाताओं के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। 2018 तक इसका बजट $4.2 बिलियन से अधिक है, जिसमें से अधिकांश सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान से आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।